टू आज़ाद एम्ब्रॉयडरी 08। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से ये डिज़ाइन बनाना बताऊंगा, जिसमें कोई भी प्रिंट नहीं है। ये सारा काम हमारा अंदाज से होगा। और ये दो तार की नीडल है, यानी दो धागा, ये दो धागा है, ये इसका साड़ी का कलर है, ये ब्लाउज का, ये दो धागा है, ये दो धागे का दो तार की नीडल से 3 लाइन स्टिच होगा। तो फर्स्ट लाइन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये डिज़ाइन मैं बना के दिखाऊंगा। फ्रेंड देखें, ये डिज़ाइन बनेगा हमारा, ये पूरा का पूरा काम अंदाज से ही बनेगा। इसमें कोई छपाई करने की ज़रूरत नहीं, कोई प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वीडियो में बने रहे हमारे साथ। ये फुल बीड्स वर्क एंड गोल्डन मोती का वर्क है। यहाँ पे हमारा 3 लाइन आउटलाइन कम्प्लीट होने वाला है, ये देखिए। और अभी मैं यहाँ पर शुगर बीड्स का वर्क स्टार्ट करूँगा। और फ्रेंड्स, गिलास बीड्स पूर्णिमा कंपनी का ये गिलास बीड्स है, शुगर बीड्स, ये कॉपर शुगर बीड्स है। बस नाइट में थोड़ा गोल्ड के जैसा लग रहा है, क्योंकि ब्लाउज भी हमारा कॉपर जरी है। तो जैसा जरी होता है ब्लाउज में, कपड़े में, उसी कलर का मटेरियल मैं यूज़ करता हूँ। तो ये कॉपर शुगर बीड्स है। और यहाँ पर फर्स्ट लाइन हमारा कॉपर शुगर बीड्स का होगा, और नीडल हमारा 7 नंबर होगा, 7 नंबर की नीडल से बनेगा। ये देखिए, वुडेन का 7 नंबर नीडल है। यहाँ पर फर्स्ट लाइन स्टिचिंग स्टार्ट मैं कर रहा हूँ। कभी एक कभी दो इस तरह से बीड्स लगाना होता है, एक दो या दो दो भी करके लगा सकते हैं। तीन तीन चार चार बीड्स एक साथ नहीं गिराना, नहीं तो वो टेढ़ा हो जाएगा खुलने के बाद। और ये देखें किस तरह से ये नीडल में भरा जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 लाइन शुगर बीड्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अभी यहाँ पर मैं शुगर बीड्स का ही लोड स्टिच करूँगा। तो आप देखें, जैसे थ्रेड का लोड बनता है उसी तरह से शुगर बीड्स का। चार चार बीड्स का बनाना है फ्रेंड्स, 4 बीड्स डालना एक बार में। ये भी लोडिंग स्टिच जिस तरह थ्रेड में करते हैं उसी तरह से बीड्स में भी। लोडिंग का मतलब वही होता है, एक तरफ आपको ऊपर से स्टिच कम करना होता है, नीचे से स्टिच एक तरफ बढ़ाना होता है। 4 बीड्स का रहेगा ये। देखें, ऊपर से कम हुआ ना एक टाका, 1 स्टिच कम करना है और 1 स्टिच नीचे बढ़ाना है, और क्रॉस रखना है आपको। लोडिंग आपका बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनता हुआ चला जाएगा। ये देखें फ्रेंड, इसी तरह से 4 बीट्स एक बार में ही आपको गिराना है। ये देखें, ये 4 बीट्स लगाया। अभी जो दूसरा स्टिच लिया वो 3 बीट्स के पास लिया। ये देखें, ऊपर से 3 बीट्स के पास स्टिच लग रहा है और नीचे की तरफ बढ़ रहा है, यानी ऊपर से आपको कम करना है, नीचे से बढ़ाना है।
यहाँ पर हमारा लोडिंग भी रेडी हो चुका है। इसके बाद वन लाइन शुगर बीट्स का फिर से लाइन आएगा, जैसे ये नीचे एक लाइन है। बनाना है ये बॉक्स, यहाँ बॉक्स देख रहे हैं ना सीधा सीधा लाइन का, ये बॉक्स बनेगा यहाँ पर। और यहाँ पर फ्रेंड्स 5 शुगर बीट्स अभी मुझे लगाना है, 5 थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे। ये देखें इसी तरह से 5 शुगर बीट्स को थोड़ी थोड़ी दूर पे लगा देना है अंदाज से। फ्रेंड्स अगर आपको अंदाज ना मिले तो आप नीचे के साइड से, ये जो हमारा नीचे का बीट्स लगा हुआ है ना, यहाँ पर से आप बीट्स गिन के भी लगा सकते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 5 बीट्स के बाद एक लाइन, फिर 1 2 3 4 5 5 बीट्स के बाद फिर दूसरा लाइन। इसी तरह से आपको लाइंस बनाना है। ये देखें इसी तरह से सीधा सीधा लाइन आपको बनाना है, 5 बीट्स का 5 शुगर बीट्स आपको लगाना है। एक बार हमारा बॉक्स बन जाएगा तो दूसरा काम हमारा स्टार्ट होगा। ये देखें फ्रेंड्स हमारा ये लाइन लगभग रेडी हो चुका है, एक लाइन और बनेगा हमारा, उसके बाद फिर ऊपर से एक लाइन फिर से शुगर बीट्स आएगा हमारा। ये देखें अभी फिर से यहाँ से एक लाइन हमारा सीधा आएगा इसके साथ टच हो करके, जो मैंने बनाया है ना सीधा सीधा। इसी तरह से ये लाइन को भी मैं कंप्लीट कर लूँगा और इसके अंदर के बॉक्स के अंदर का काम जो है वो सबसे लास्ट में करूँगा। यहाँ पर हमारा ये लाइन रेडी हो चुका है और अभी मैं ये चैन देखिए कब चैन है, 8 8 8 8 8 पता नहीं कितना 8 डाल दिया है। ये देखें अब ये चैन स्टिच होगा हमारा एक लाइन यहाँ पर। ये चैन स्टोन भी अच्छी क्वालिटी का है, ख़राब नहीं होता है, काला नहीं होता है जल्दी, काफ़ी समय लगता है काला होने में इसको। और एक छोड़ के सभी दो दो स्टोन के पास वहाँ पे उसका जो जगह है खांच है जो, उसमें एक एक स्टिच लगाना है कुछ इसी तरह से जैसे मैं लगा रहा हूँ।
फ्रेंड्स यहाँ पर चैन हमारा नाप लेना है, नाप उसको कट कर लेना है और यहाँ पर हमारा चैन भी कंप्लीट होने वाला है और इसके बाद फिर से वन लाइन शुगर बीट्स का लाइन बनेगा हमारा। ये चैन स्टोन के बाद फिर से एक लाइन शुगर बीट्स आएगा। वुडन की जो ये निडिल है, अगर आपका टाँका छूटता हो या धागा कट जाता हो तो आप निडिल को थोड़ा, उसका जो हुक होता है ना उसको थोड़ा बैंड कर लें। आगे से अगर थोड़ा बैंड कर लेंगे तो उसका टाँका भी नहीं छूटेगा और धागा भी नहीं काटेगा। तो ज़्यादातर वुडन की निडिल को हम लोग थोड़ा सा बैंड करते हैं स्टिच करने से पहले, मतलब एक बार बैंड कर दिया तो फिर जब तक निडिल चलता है तब तक बैंड ही रहता है वो। और हमारा बीट्स का लाइन यहाँ पर रेडी हो चुका है, देखें सभी। हमारा ये गोल्डन मोती का काम रह गया है, ये बंच वाला मोती है, सॉरी गोल्डन मोती नहीं, कॉपर मोती। हाँ, ये हमारा कॉपर मोती है क्योंकि ब्लाउज ही कॉपर है, पूरा वर्क ही कॉपर है। तो यहाँ पर ज़्यादातर कॉपर ही कलर यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ स्टोन को मैंने सिल्वर यूज़ किया है, सिल्वर एंड गोल्ड में। ये देखें मोती को किस तरह से निडिल में भरा जाता है, बंच वाली मोती को। यहाँ पर मुझे मोती जो स्टिच करना है थोड़ा थोड़ा, एक एक टाँका लेकर के, यानी कंटिन्यू स्टिच नहीं करना है। एक लिया, फिर एक स्टिच, फिर एक मोती, फिर एक स्टिच, फिर एक मोती, इसी तरह से एक एक स्टिच छोड़ छोड़ के हमको मोती लगाना है। मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ कैसा आ रहा है, ये देखें। यहाँ पर हमारा ये मोती का वर्क भी रेडी हो चुका है, लिया है बैठा से शुगर बीट्स थोड़ा सा और यहाँ से एक शुगर बीट्स। फ्रेंड्स इसी तरह से आपको लगाना है, जिस तरह से प्लस का मार्क होता है ना, कुछ इसी तरह से मैं बना रहा हूँ। पहले एक लाइन मैंने बनाया स्पेस दे करके थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद इस तरह से आपको सीधा सीधा लगा देना है, एक अलग सा लुक हो जाता है इसका। मैंने गोल्डन स्टोन लिया है, इस स्टोन का नंबर है 4 नंबर, आई मीन कुंदन भी कहते हैं इसे, हम लोग स्टोन भी कहते हैं इसे। तो ये कुंदन लिया है गोल्डन 4 नंबर का और यहाँ पर फेविकॉल लगा रहे हैं ताकि मैं ऊपर का जब तक वर्क करूँगा नीचे ये सूख जाएगा, तो हमको बीट्स लगाने में आराम पड़ेगा। और ग्लू भी मैं दिखा दे रहा हूँ कौन से कंपनी का है हमारा ये ग्लू। देखें फ्रेंड्स ये है फेब्रिक ग्लू, 15 रुपीज़ का एक आता है, ये 17 रुपीज़ का। हमेशा की तरह मैं वुडन का एक, मतलब निडिल का एक
कैप रखा हूँ, उसके ऊपर फेविकॉल लगाता हूँ, उसी से मैं स्टोन को लगाता हूँ, क्योंकि इससे बहुत आसानी से स्टोन लग जाता है, क्योंकि फिंगर मोटा होता है ना, कहीं कहीं पे ये छोटे से जगह में फिंगर उंगली नहीं जाता है इसके लिए। या आप माचिस के तिल्ली से भी कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा फेविकॉल लगा दिया और इसी तरह से उठा उठा करके आपको लगा देना, बहुत आसानी से जल्दी चिपक जाता है और हाथ पे फेविकॉल भी नहीं लगता फिंगर्स में। और देखिए यहाँ पर मैंने स्टोन लगा लिया अपना सुंदर। तो अभी फिर से मैं अपने ये पर्ल के काम को कंटिन्यू करूँगा। गोल्डन मोती, ये मोती का साइज है 3 नंबर, 3 नंबर का मोती है और कॉपर शुगर बीट से एक एक आगे में। सारा वर्क रेडी करते हुए जाने, ये देखें ये पूरा काम अंदाज से हो रहा है, इसमें कोई प्रिंट नहीं, कोई छपाई नहीं, और ये आप भी बना सकते हैं बहुत आसानी से। अगर ये वीडियो सही से देख लिया आप, तो आप भी अंदाज से बना सकते हैं ये डिज़ाइन। यहाँ पर हमारा ये ऊपर का जो वर्क मैं दिखा रहा था ये रेडी हो गया है। और अभी मैंने जो स्टोन लगाया था उसके बगल से बीट्स का राउंड घुमा रहा हूँ, ये देखिए अभी पूरी तरीके से सूखा भी नहीं है, लेकिन अंदाज से मैं बना रहा हूँ। फ्रेंड्स इसी तरह से हमारा ये वर्क कंप्लीट होते हुए जा रहा है।
फुल बीट्स वर्क है, इसमें थ्रेड का वर्क काम ही नहीं है ज़्यादा, सिर्फ आगे में एक लाइन है, थ्री लाइन जो मैंने दिखाया थ्रेड का, बस वही है। वो भी मैंने टेलर के स्टिच के लिए किया है क्योंकि उसको स्टिच करने में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर हमारा ये वर्क स्टोन का ये वर्क कंप्लीट हो चुका है। हमारा ये वर्क रेडी होके कैसा दिख रहा है। ये फुल बीट्स वर्क है, ठीक है, और ये रेडी होने के बाद कुछ इस तरह का ये दिख रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, स्पेशली कमेंट करके जरूर बताया करें कि कैसा लगा।